पे जो एचआर डिपार्टमेंट का जो कैरियर सेक्शन है, जहाँ पे मिस एप्लीकेंट्स जो है वो अपनी सीवीज जो है वो डेली बेसिस पे जो है फॉरवर्ड करते हैं, और जो कि काफ़ी बल्क में जो है वो सीवीज जो है वो रिसीव हो रही है, तो वो अपने कैरियर सेक्शन को जो है वो किस तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हैं ना, क्योंकि एप्लीकेंट्स जो हैं वो डिफरेंट एप्लीकेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट पोजीशन के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं, और मीन्स के और सीवीज जो हैं या रिज्यूमे जो है वो बल्क में जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो रिसीव जो है वो हो रही होती हैं। तो किस तरीके से जो है वो एक रिक्रूटर जो है वो अपना जो अकाउंट है, जो कैरियर सेक्शन है, उसको जो है वो एक प्रॉपर तरीके से जो है वो मैनेज कर सकता है, किस तरीके से जो है उसमें लेबल्स और टैगिंग जो है वो कर सकते हैं, और किस तरीके से जो है वो उसके अंदर फोल्डर्स बना सकते हैं, और किस तरीके से वो जो है वो अपनी अपनी उसके लिए अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कि मीन्स किस कौन कौन से ऐसे रिज्यूमे या सीवीज हैं जिसपे वो ऑलरेडी जो है वो काम कर चुका है, और कौन कौन सी ऐसी सीवीज हैं जिस पर उसने जो है अभी तक जो है वर्किंग नहीं की है, उसको वो किस तरीके से जो है वो जो है मेंटेन करेगा ना। तो सबसे पहले तो हम जो है वो सेटिंग्स में चले जाते हैं। तकरीबन हर कैरियर सेशन का जो है वो एक ही इंटरफेस होता है, जो फंक्शंस जो उसके होते हैं या उसके जो टूल्स होते हैं वो जो है वो शायद जो है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो उसका जो तरीक़ेकार होता है चीज़ों को मैनेज करने का वो बेसिकली सेम होता है। कहने मकसद है कि जो उसके टूल्स होते हैं वो तकरीबन चाहे वो जो भी उसका इंटरफेस हो या जो भी उसका डैशबोर्ड हो, तकरीबन सबके जो है वो सेम ही जो है वो टूल्स होते हैं, बस वो जो है जो आपका डेटाबेस होता है या इंटरफेस होता है वो थोड़ा सा जो है उसके अंदर चेंजेस होती है। आज जो है वो हम ये जो बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जहाँ की जो कि बेसिकली जो इनकी ऑफिशियल आईडी होती है वो जीमेल के जो है वो फॉर्मेट पे जो जीमेल का जिस तरह का जो है वो इंटरफेस होता है उस तरह से जो है वो डिज़ाइन की गई होती है जी। यहाँ पे जो मैं आपको टूल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से अभी टूल्स सीख लीजिएगा, और फिर यह है कि सपोज़ करें अगर ये टूल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अपने आईटी डिपार्टमेंट से जो है इसको जो है वो डिस्कस कर सकें, फिर आपका आईटी डिपार्टमेंट जो है वो आपको जो है वो उस तरह का जो है वो इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। सबसे पहले हम चले जाते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, सी ऑल सेटिंग्स के अंदर हम चले जाते हैं। ब्राउज करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो कुछ स्टार्स जो है वो आपको नज़र आएंगे, तो इन स्टार्स में जो है बेसिकली अब ये वन स्टार पे जो है क्लिक हुआ हुआ है, तो इसको आप जो है वो बेसिकली ऑल स्टार्स पे जो है वो आप क्लिक कर दें। इसी तरीके से जो है आप सेटिंग्स में आएंगे तो उसमें जो है वो आपका सिग्नेचर का जो है वो ऑप्शन होता है। सिग्नेचर के अंदर ये है कि मीन्स अपना जो है वो आप नाम लिख सकते हैं, अपना जो है अपनी डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो नाम लिख सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का आपने देखा होगा कि मीन्स जब आप वहाँ पर जो है वो अप्लाई करते हैं तो वहाँ से जो है वो ऑटो जो है ईमेल जो है वो आपको रिसीव हो जाती है कि मीन्स थैंक्स फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है कि वहाँ से जो है वो आपको जो है वो ऑटो रिप्लाई जो है वो रिसीव हो जाता है। वो किस तरीके से लगाते हैं तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, वेकेशन रिस्पॉन्डर ऑन। बेसिकली ये तो खैर मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है वेकेशन रिस्पॉन्डर ऑन। ये बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय है जो कि 1 वीक या 2 वीक के लिए जो है वो किसी वजह से जो है वो ऑफ ले रहा है तो वो ऑटो रिमाइंडर जो है वो लगा के जा सकता है, और उसके अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो मेरे भी यहाँ पे जो है आप हिसाब से जो है वो कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हैं। लेकिन सेम चीज़ जो है वो ऑटो जो है वो ऑटो ईमेल के लिए भी जो है वो यूज़ हो सकती है। इसमें जो है जैसे अभी बिल्कुल आपके सामने के वेकेशन रिस्पॉन्डर ऑन पे जो है वो आपने क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे आज की डेट आई हुई है। लास्ट डे जो है वो ऑप्शनल होती है, वो आप चाहें तो लिखें चाहें तो जो है वो ना लिखें। इसमें अगर आप कोई आप डेट लिख देंगे तो वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगा, और अगर यहाँ पर आप कोई डेट नहीं लिखेंगे तो फिर ये समझ लें कि ये आपका जो है वो कंटिन्यूसली जो भी आप मीन्स करने वस्तर है कि यहाँ पर आप जो भी मैसेज टाइप करेंगे वो कंटिन्यूसली जो है वो ऑन रहेगा। मीन्स जो भी कभी आपके पास कोई भी जो है वो कोई सीवी या कोई रिज्यूमे जब आपकी जो है वो ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड करेगा तो उसको जो है वो ऑटो रिमाइंडर जो ऑटो ईमेल जो है उसको चले देंगे। यहाँ पे आप जो है वो अपना मैसेज जो है वो टाइप कर सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह का जो है कोई ऑटो रिमाइंडर जो है वो उनकी जो है वो पॉलिसी में नहीं होता, वाला वो नहीं होता, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो ऑटो रिमाइंडर ऑटो ईमेल का जो है वो ऑप्शन यूज़ करती हैं, और उसमें से वो बेसिकली थैंक्स या अप्रिशिएट करना होता है किसी भी एप्लीकेंट को या किसी भी जो है मीन्स के एम्प्लॉय किसी भी जो है वो एप्लीकेंट्स को जो कि आपकी जो है जिन्होंने जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो सीवी या रिज्यूम जो है वो ड्रॉप की होती है। तो इसमें जो है वो आप कुछ भी कर टाइप कर सकते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं थैंक्स फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन।
ये तो मैंने ख़ैर बहुत शॉर्ट लिखा है। आप अपनी मीन्स कंपनी की जो पॉलिसी है या प्रोसीजर है उसके हिसाब से जो है वो इसको जो है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। नीचे जो है यहाँ पर जो है वो अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं और जो भी आप मैसेज टाइप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके साथ जो है वो आप सेव जो है वो चेंजेस कर दीजिएगा। मेन जो मैंने आपको यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर मैं लेकर आया था उसका जो मेन मकसद था वो ये था कि अगर ये ऑल स्टार्स पर जो है वो आप यहाँ पे जो है वो क्लिक कर दीजिएगा। उसके बेनिफिट जो है वो फिर मैं आपको आगे जो है वो बताता हूँ। इसको यहाँ से जो है वो आप सेव कर लीजिएगा। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको आप जो है वो यहाँ से लास्ट में आके जो है वो सेव चेंजेस कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम अब देखते हैं कि हमें जो है वो अपने कैरियर सेक्शन को जो है किस तरीके से मैनेज करना है। अब मैं वन बाय वन तो मैं खैर मैं यहाँ पे ईमेल जो है वो ओपन नहीं करूँगा, इसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी से मैं आपको आईडी के लिए जो है मैं बताता हूँ कि मैं सपोज करें आपने फर्स्ट जो है वो ईमेल जो है वो क्लिक किया। जब आपने इसका रिज्यूमे देखा तो आपको जो है वो देखने के साथ ही पता चल गया कि इन्होंने जो है इनका जो एक्सपीरियंस है वो मैथ्स टीचर के लिए है। तो इसमें हम किस तरीके क्या करेंगे कि इसको क्लिक करेंगे जी। जैसे आपने देखा कि ये जो है इनका जो एक्सपीरियंस है वो मैथ्स का है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे क्रिएट न्यू में जाए मीन्स लेबल के अंदर जाएंगे और उसको क्रिएट न्यू करेंगे। क्रिएट न्यू करके इसमें आप सपोज करें आप यहाँ पे लिख देंगे मैथ्स और इसको जो है वो क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये आपका एक टैग बन गया। सपोज करें आपने सेकंड जो है वो रिज्यूमे ओपन किया ये वाला फैसल रजा वाला, इसको आपको जो है वो देखने के बाद अंदाज़ा हुआ कि इनका जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो डेटा एंट्री का है। इसी तरीके से यहाँ पे आपने टैग में गए क्रिएट न्यू किया, यहाँ पे आपने लिख दिया डेटा एंट्री ऑफिसर, यहाँ पे आपने क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है वो मज़ीद नीचे आते हैं। सपोज़ करें ये वाला रिज्यूमे है, इसको आपने क्लिक किया, इसको जो है वो आपको देखने के बाद पता चला कि इनका जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो एचआर में है, तो आपने एचआर में आए और उसको क्रिएट न्यू कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से जो है आप मज़ीद नीचे आते हैं, आपने मोहम्मद हसनैन की सीवी को जो है देखा, उसको जो है वो जब आपने ओपन किया तो आपको पता चला कि ये एडमिन से रिलेटेड इनका एक्सपीरियंस है। यहाँ पर लेबल में आए, आपने एडमिन पे जो है एडमिन टाइप किया और उसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप मज़ीद आप नीचे आते हैं, नादिर खान की सीवी देखिए, आपको अंदाज़ा हुआ कि ये जो है वो मार्केटिंग से जो है इनका जो है वो मार्केटिंग की फील्ड से जो है ये एक्सपीरियंस है इनका, तो आपने मार्केटिंग लिखा और क्रिएट न्यू किया तो ये मार्केटिंग का जो है वो एक टैग बन गया। इसी तरीके से आप मज़ीद नीचे आते हैं, आपने देखा कि ये फिरजा नाज जो है इनका जो एक्सपीरियंस है वो सेल्स में है, तो आपने सेल्स लिखा और क्रिएट न्यू कर दिया लेबल में आकर, तो ये सेल्स का जो है वो एक टैग बन गया। इसी तरीके से आप नीचे आते हैं, आपने देखा कि ये जैसे ये सपोज करें इन्होंने एचआर लिखा हुआ है तो एचआर सही होगा, इसमें आपने क्लिक किया एचआर का टैग जो है पहले से बना हुआ है, तो आपने सिर्फ इसको एचआर पे क्लिक करना है और इसको अप्लाई करना है, तो मीन्स ये एचआर के अंदर जो है इसका जो है एचआर का टैग हो गया। इसी तरीके से सपोज करें आपने ये सीवी देखी, आपने बोला कि इनका जो है वो फाइनेंस का जो है एक्सपीरियंस है, इसको आपने फाइनेंस कर दिया। आप लेवल में गए, आपने जो है वो फाइनेंस इसको सपोज करें ये अकाउंट्स का है, तो आपने अकाउंट्स का क्योंकि फाइनेंस का टैग पहले से बना हुआ था, आपने इसको जो है वो अकाउंट्स कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप मज़ीद आप नीचे जाते हैं, इसमें आप देखते हैं कि इनका जो है वो सपोज करें कि स्टोर डिपार्टमेंट से है, इनका जो एक्सपीरियंस है इसको आपने स्टोर कर दिया। ठीक है, मज़ीद आप नीचे आते सपोज करें कहने का बस ये देखिए आप जो है वो डेजिग्नेशन के हिसाब से और डिपार्टमेंट के हिसाब से जो है वो टैग्स जो है वो बना लीजिए। अब सपोज़ करें ये दोनों ने जो है वो एचआर के लिए जो अप्लाई किया, बस इन दोनों को आपने सेलेक्ट किया, इन दोनों की सीवी देखी, आपने बोला कि इनका जो है एचआर का एक्सपीरियंस है, इसमें से आप एचआर सर्च करेंगे लेबल आपके सामने आ जाएगा, इस पर क्लिक करें अप्लाई करें, ये एचआर का हो गया। कहने का मतलब है इस तरीके से ना आप डेजिग्नेशन वाइज और डिपार्टमेंट वाइज जो है वो आप टैग कर सकते हैं। अब देखें इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब आप लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आप आएँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपके सारे जो है वो टैग्स बन चुके होंगे। आप लेबल्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो आपके देखिए देखिए ये सारे आपके टैग्स बन चुके हैं। जैसे अब आपका बस ये बेसिकली सॉर्ट आउट हो गई हैं सारी चीज़ें ना, अब अकाउंट्स हैं इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे 7 सीवीज हैं, एचआर की 11 सीवीज हैं, डेटा एंट्री ऑफिसर की 4 सीवीज हैं, एडमिन की 4 हैं, मैथ्स की 4 है। अब आप बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप वन बाई वन जो है वो अपनी पूरा अकाउंट जो है वो आप जो है वो चेक कर सकते हैं, मीन्स जितना भी रिज्यूमे जितने भी सीवीज जो हैं वो आपके पास जो है आई भी हैं उनको वन बाय वन जो है वो आप देख सकते हैं और उसी हिसाब से जो है वो आप उनको जो है वो टैग कर सकते हैं। इसमें सपोज करें अब जैसे मार्क एज रीड कर देता हूँ, ठीक है,
अब मैं आपको ये बताता हूँ, एक और टिप्स है, एक और टिप क्या है। अब सपोज़ करें कि आपने ये सारी सीवीज़ जो हैं वो देख ली हैं, ठीक है, आपने ये सारी सीवीज़ देखी हैं, इसमें से एक दो जो है वो यहाँ से आपने जो है मिसिंग थी, ये नहीं देखी थी आपने। इसी तरीके से जो है वो सपोज़ करें आपने, आपका जो फर्स्ट पेज है उसमें आप सपोज़ करें कि आपने सारी सीवीज़ देखी हुई हैं, सिवाय इसको हम मार्क रीड करेंगे तो इट्स मीन कि आपने ये सारी सीवीज़ जो है रीड कर ली हैं। अब सपोज़ करें, अब बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो है वो बल्क में जो है वो रिज्यूमे आ रहे होते हैं, और हम जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो सीवीज़ जो है चेक कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ चेक होती हैं, कुछ जो है वो अनचेक रह जाती है ना। तो अब सपोज़ करें हम चाह रहे हैं कि जिन सीवीज़ पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जिनको हम ऑलरेडी सीवीज़ को देख चुके हैं, उसको जो है वो हमारे सामने ना आए ना, हमारे पास से वो सीवीज़ आ जाए जो कि अभी तक जो है वो हमने रीड नहीं किया। उसमें आप क्या करेंगे कि एल लिखेंगे, कोलन लगाएंगे, इसको अनरीड कर देंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है वो सारी सीवीज़ आ जाएंगी जो कि अभी तक आपने चेक नहीं की है। ये सारी सीवीज़, ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने आ गई। ये वो ईमेल्स हैं, या ये वो मीन्स कि ये बेसिकली वो सारी ईमेल्स हैं जो अभी तक आपने जो है वो चेक नहीं की। अब देखें, फर्स्ट अगर आप आएँ इनबॉक्स में, देखें इनबॉक्स के अंदर अभी देखें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सारी रीड जो है ईमेल्स हैं, और इसके अंदर जो है कुछ जैसे ये सीवी फॉर रिक्रूटमेंट जो है ये अभी तक आपने जो है वो चेक नहीं की। इसके अलावा ये कनेक्ट, ये एक और ईमेल है, ये आपने चेक नहीं की। इसी तरीके से जो है बेसिकली कहने का मकसद है कि ये आपका आपको जो है वो डैशबोर्ड है, इसमें आप देख रहे हैं कि आपने कुछ सीवी, कुछ जो है ईमेल्स चेक कर लिए हैं, कुछ ईमेल्स जो है वो चेक नहीं किए। तो ये मैंने बेसिकली आपको तरीका बताया है कि अगर आप देखना चाह रहे हैं कि वो कौन सी सीवीज़ हैं जो अभी तक आपने जो है वो चेक नहीं की, तो वो आप इस किस तरीके से देखेंगे, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। एल लिखेंगे, कोलन लगाएंगे, अनरीड कर देंगे। इसमें एक और ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, इसमें मज़ीद जो है वो इसके अंदर जो है वो हम जो है वो सेटिंग्स कर सकते हैं। आप सपोज़ करें कि आप चाह रहे हैं कि आप वो सीवीज़ देखना चाह रहे हैं जो कि इनबॉक्स के अंदर आई हुई हो और हैज़ द अटैचमेंट हो, ठीक है, इसको आप सर्च करेंगे तो इसमें क्या होगा कि वो सारी अनरीड ईमेल्स आ जाएंगी जिसके साथ जो है इनबॉक्स के अंदर हो। आप बेसिकली अगर ये क्राइटेरिया लगाएंगे ना, तो इसमें ये होगा कि इनबॉक्स के अंदर ये देखेगा, प्लस ये देखेगा कि अनरीड ईमेल्स हो, और थर्ड ये चीज़ देखेगा कि जिसके साथ जो है सीवी अटैच हो या कोई डॉक्यूमेंट अटैच हो। इसको आप जैसे सर्च करेंगे तो ये आपके पास वो सारी जो है, ये बेसिकली फिल्टर लगाने के बाद जो है आपका फ़ायदा ये हुआ कि आपके पास जो है वो ये सारी वो सीवीज़ आ गई जो कि अनरीड थी, इनबॉक्स के अंदर थी, और जिसके साथ जो है वो अटैचमेंट जो है मीन्स अटैचमेंट ही, कोई ना कोई अटैचमेंट ही, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट था, चाहे वो सीवी हो, चाहे वो कोई कोई पीपीटी हो, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट हो, एक्स वाई जेड, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली एक तरीका होता है। इसी तरीके से सपोज़ करें कि आप कोई स्पेसिफिक जो है वो चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं, तो सेम क्राइटेरिया होगा, एल कोलन अनरीड इनबॉक्स हैज़ अटैचमेंट, और आपने बोला कि मैं सिर्फ एचआर की सीवी देखना चाह रहा हूँ, इसको आप सब्जेक्ट के अंदर एचआर लिख दें, सर्च करेंगे तो आप ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ एचआर की सीवीज जो है वो दिखाएगा, ठीक है, ये सारी सारी सिर्फ और सिर्फ ये देखें, ये जिन्होंने एचआर के लिए अप्लाई किया ये वो सीवीज़ दिखा रहे हैं। अब सपोज़ करें आप चाह रहे हैं कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि डेटा एंट्री की वो सीवीज़ जो मैंने अभी तक रीड नहीं की या चेक नहीं की, अब यहाँ पे जो है वो सेम क्राइटेरिया लगाएगा, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट अंडर डेटा एंट्री लिख के जो है सर्च कीजिएगा, उसमें क्या होगा, ये वो सारी डेटा एंट्री से रिलेटेड जो है वो सीवीज़ है जो अभी तक आपने चेक नहीं की थी। आई तो आपके पास 100, 200, 300, 400 होंगी, लेकिन ये 5 सीवीज़ वो थी जो अभी तक आपने जो है वो चेक नहीं की। इसी तरीके से हम कुछ कोई दूसरी जो है फील्ड का देख लेते हैं कि सपोज़ करें फाइनेंस के लिए देखते हैं हमने किसी ने हमारे पास अप्लाई किया है नहीं किया है, इसको सर्च कर लेते हैं। देखिए अब ये जैसे ये क्राइटेरिया मैंने लगाया, तो इसके अंदर जो है ये 3 वो सीवीज़ हैं जो कि अभी तक मैंने चेक नहीं किया। आपके पास तो खैर वो बल्क के अंदर जो है फाइनेंस या अकाउंट से रिलेटेड आपके पास जो है अभी सीवीज़ आई भी होंगी, लेकिन इस फिल्टर को लगाने का फ़ायदा क्या हुआ कि आपके पास जो है वो जो है ईमेल्स आपके पास जो है वो स्क्रीन होके आ गई हैं जो कि अनरीड हैं, उसके अंदर जो है वो अटैचमेंट भी है, और जिन्होंने जो है फाइनेंस या अकाउंट्स के लिए जो है वो अप्लाई किए। दूसरा तरीके के और क्या होता है कि आप सपोज करने से आप देखना चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ जो है सिर्फ एचआर की सीवीज़ जो है मैं सिर्फ सर्च करना चाह रहा हूँ। अब देखिए आपका फर्स्ट पेज है, इसके अंदर जो है वो हर तरह की सीवीज़ जो है मौजूद है, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट पोजीशन के लिए जो है लोगों ने मीन्स एप्लीकेंट्स हैं जो है वो अप्लाई किया है। आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ एचआर की सीवीज़ आए, तो सिर्फ आप नॉर्मल सिर्फ एचआर लिख के आप सर्च करेंगे तो उसमें रीड अनरीड एचआर से रिलेटेड जो भी ईमेल्स होंगी वो सारी आ जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर आपने जो है सिर्फ एचआर लिख के सर्च किया, तो ये देखें ये जो है वो सही तरीके से जो है फिल्टर होकर नहीं आया, ये ज़्यादातर जो है वो जंक ईमेल आ रही है। अब बेसिकली इसमें वही है कि जो मैंने आपको पहले वाला क्राइटेरिया बताया था कि वो एल अनरीड वाला कर दें, तो उससे ही मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर जो है वो आपके पास रिजल्ट आएगा। इसको एल अनरीड कर देते हैं, प्लस दोबारा फिल्टर लगाते हैं, इसको इनबॉक्स कर देते हैं,
ये भी कर देंगे तो इससे भी जो है वो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा। एज अटैचमेंट करेंगे तो फिर आएगा मेरे पास। ये दोबारा से देखिए, ये सारी जो है वो एचआर से रिलेटेड जो है। अब आप चाह रहे हैं कि चाहे वो रीड हो चाहे वो अनरीड हो, हर तरह की जो है मेरे पास जो है वो एचआर से रिलेटेड जो है इमेज आ जाए, चाहे उसको मैंने कभी उस पर वर्किंग की हो ना की हो। तो उसके ऊपर आप एल कॉलन रीड एचआर और जो सेटिंग्स में जाके जो है इनबॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिएगा और हैज अटैचमेंट पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये वो सीवीज आपके पास आ जाएंगी जो आपने जो है वो प्रीवियसली या तो चेक की हुई होंगी या नहीं की हुई होंगी। हर तरह की जो है वो सीवीज आ जाएंगी जिसके अंदर एचआर का वर्ड जो है वो यूज़ हो रहा होगा, जैसे एचआर की आ गई, इसी तरीके से इंटर्नशिप की आ गई, एचआर इंटर्नशिप के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ये भी इंटर्नशिप एचआर 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 के लिए जो है इन सब लोगों ने जो है वो अप्लाई किया हुआ। तो ये बेसिकली कहने का मकसद है कि अभी जो मैंने आज की जो वीडियो बनाई है वो मैंने सिर्फ रिक्रूटर्स के लिए बनाई है कि वो अपना जो कैरियर सेक्शन होता है उसको जो है वो किस तरीके से जो है मैनेज कर सकते हैं। अब सपोज़ करें कि मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मैं ये कुछ सीवीज जो है यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इनको जो है मैं सपोज़ करें एचआर का जो है टैग दे देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो फिर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं 3-4 सीवीज जो है सेलेक्ट करता हूँ, इसको सपोज़ करें ये मार्केटिंग की है, यहाँ पे मार्केटिंग पर आकर क्लिक करके इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैं मज़ीद नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सपोज़ करें ये सेल्स की सीवीज हैं, इनको मैं सेल्स पे जो है वो टिक कर लेता हूँ, इसको अप्लाई कर देता हूँ। इसी तरीके से जो है मैं नीचे मज़ीद आता हूँ, मज़ीद मैं 3-4 जो है इमेज को जो है टैग करता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ कि ये अकाउंट्स की सीवीज हैं, इसको मैंने अकाउंट सेलेक्ट करके अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं ये 3-4 सीवीज जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कि ये स्टोर डिपार्टमेंट की सीवीज हैं, ठीक है। इसी तरीके से मज़ीद मैं नीचे आता हूँ, सपोज़ करें कि ये एडमिन से रिलेटेड जो है वो रिज्यूम में है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके एडमिन जो है वो कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं मज़ीद नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पे आईटी का हमने जो है वो अभी तक नहीं बनाया था टैग, हम अब सपोज़ करें हम आईटी का एक टैग बनाते हैं कि ये वो सारे जो है एप्लीकेंट्स हैं जिनका आईटी से रिलेटेड है, मीन्स इसको फिर हम यहाँ पे आईटी लिखते हैं और क्रिएट न्यू करेंगे तो ये आईटी का जो है लेबल बन जाएगा, इसके अंदर 4 सीवीज आ गई। अब आप देखेंगे लेफ्ट साइड पर आप आएंगे तो लेबल्स के अंदर आप देखिएगा, जैसे अकाउंट्स के अंदर जो है आप आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो अकाउंट से रिलेटेड जो है वो सीवीज, ये सारी वो सीवीज हैं जिनका अकाउंट से एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे एडमिन पे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर वो सारी सीवीज आ रही होंगी जिनके जो है एडमिन का एक्सपीरियंस होगा। इसी तरीके से डेटा एंट्री ऑफिसर में आप आएंगे तो ये डेटा एंट्री ऑफिसर वाले जो है इनका एक्सपीरियंस होगा। एचआर पे आप जो है लेबल पे उस पर क्लिक करेंगे तो एचआर से रिलेटेड जो है वो सारी सीवीज आ गई हैं देखें। इसी तरीके से मार्केटिंग पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये मार्केटिंग से रिलेटेड जो है वो, इससे ये होगा कि आपको जो है वो अपना अकाउंट जो है वो मैनेज करना बहुत ईजी हो जाएगा, मीन्स के रिक्रूटर के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि उसके पास जो है वो डायरेक्ट डायरेक्ट जो है उसके बाद टैक्स बनाए हुए हैं, वो टैक्स के अंदर जाएगा और अपना जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से जो है उससे रिलेटेड जो है वो अपने रिज्यूमे को सर्च करेगा और फिर अगर उनको लगता है कि वो कोई कैंडिडेट जो है उसके लिए शॉर्टलिस्ट हो सकता है तो वो डायरेक्टली जो है उसको जो है वो इंटरव्यू कॉल जो है कर सकता है। सीएस के अंदर जाएंगे तो एसीएस से रिलेटेड जो है सारी सीवीज आ गई। तो इस तरीके से जो है वो आप अपना सारा जो है वो अपना जो अकाउंट है कैरियर सेक्शन का वो जो है मैनेज कर सकते हैं। ऑल स्टार्स का जो मैंने आपको शुरू में बताया था इसमें वो काफ़ी टाइम हमें लग गया था। अब सपोज़ करें कि आपने ये सीवी है जिस पर आपने वर्किंग कर लिए तो उसको जैसे ऑल स्टार्स में मैंने क्लिक किया था, इसका फ़ायदा ये होता है कि इस पर आप आके टिक कर सकते हैं, इट्स मीन कि आपने इस सीवी पे जो है वो काम कर लिया। ये फ्यूचर के लिए आपको हमेशा याद रहेगा, आप क्या इस सीवी पे आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं तो आप मज़ीद जो है वो मीन्स कि आप फ्यूचर में जो है आपको इस सीवी से जो है कोई इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि आप इस पे ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं। सपोज करें कि ये है इस सीवी पे भी जो है आपने पहले से जो है वर्किंग की हुई है तो इसको भी टैग लगा दें, तो इट्स मीन आप जब भी इसको ओपन करेंगे चाहे आप हो ना हो कोई दूसरा एम्प्लॉयर कोई दूसरा जो है वो आपको रिप्लेस करके आ जाए जो कि ये कैरियर सेक्शन जो है वो यूज़ कर रहा होगा, तो उसके लिए बहुत ईजी होगा कि उसके पास जो है वो ऑलरेडी सारी जो है वो टैग्ड सीवीज जो है मौजूद होगी, प्लस उसको इस टेक्स से जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि इन सीरीज पे जो है ऑलरेडी वर्किंग हो चुकी है तो इसको जो है वो मुझे जो है उसको क्लिक करने की इसको या इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अब आप भी थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ये डिफरेंट इसमें कलर्स हैं, आप उस अपने हिसाब से जो है इन कलर्स को जो है सेट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं या किसी भी क्यू एक्स वाई जेड जो भी है, अब वो आपकी मर्जी है कि आप उसको किस तरीके से जो है वो डिफरेंट जो है वो सिम्बल्स के थ्रू या कलर्स के थ्रू जो है वो आप इसको याद रखें कि इन सीवीज पे जो है वो कौन सी जो है वो वर्किंग चल रही थी। इस पर क्वेश्चन
क्वेश्चन मार्क बना दिया, एक्चुअली कुछ भी आप कर सकते हैं इसको, कुछ कलरिंग वगैरह कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब कि चीज़ों को रिमेम्बर रखने के लिए कि आपने किस ईमेल पे क्या वर्किंग की थी, उस हिसाब से जो है इन स्टार्स को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जिस पर आपने वर्किंग कर ली उस पर टिक लगा दें, जिस पर आपको कोई की हो रही है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दें, एक्सवाइजी जो भी है। ये कलर्स जो ये जो कलर्स हैं, ये जो टैग हैं, इससे जो है वो आपको जो है वो काफ़ी जो है वो फ़ायदा होगा। प्लस मैंने आपको इसमें जो है लेवल्स का मैंने आपको बता दिया था, सर्च किस तरीके से ईमेल्स करते हैं, किस तरीके से जो है वो सीवीज को जो है वो सर्च किया जाता है, अपनी जो एक्यूरेट सीवी आपको जो है वो किस तरीके से जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। आई मीन के ऑटो ईमेल का भी जो है वो मैंने आपको आइडिया दे दिया है। बाकी सर्च वगैरह किस तरीके से करते हैं, अनरीड ईमेल्स किस तरीके से चेक करते हैं, रीड ईमेल किस तरीके से चेक करते हैं, जिन ईमेल्स के अंदर जो है वो अटैचमेंट है वो किस तरीके से जो है वो सर्च करेंगे, टैगिंग किस तरीके से करेंगे, लेबलिंग किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो डिफ़ाइन जो है वो कर दिया है, जो कि एक रिक्रूटर के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मीन्स उसको जो है ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो अपनी रिक्रूटिंग करियर के अंदर जो है वो काफ़ी जो है उसको जो है वो काम आएगी, और उससे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसको जो है वो बेनिफिट जो है मिलेगा। आज की वीडियो जो है हम यहीं पर ही जो है एंड करते हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है वो मज़ीद जो है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो है वो इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी।